अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ज़किस्तान ऑफिशियल। तो ये वीडियो मैं इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे लाइक करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, काफ़ी खुशी मिली कि आप लोग मुझे इतना यानी वो करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जब भी कोई बंदा इस इंडस्ट्री में आता है ना, तो यानी वो टिकटॉक पे बनाता है या यूट्यूब की वीडियोस बनाता है, सब लोग ये कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, क्या जबलियाँ मार रहा है, क्या अजीब अजीब काम कर रहा है। तो लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अजीज व अकारब हैं, जितने भी हैं, सब ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। सब ने ये कहा कि ठीक है ज़का भाई, लगे रहो, अल्लाह आपको एक दिन कामयाब करे। हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, कोई कहता है मैं यूट्यूब स्टार बनूँ, कोई कहता है मैं टिकटॉक स्टार बनूँ, कोई इस तरह। हमारे इलाके में काफ़ी इस तरह मुर्दे हैं, अलीविज़ शान अली हो गए, इस तरह हो गया, जिनका कोई मकसद नहीं होता। हर इंसान को अपनी लाइफ का एक मकसद बनाना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में करना क्या है। तो मैं हमेशा, मेरे अपने दोस्त हैं, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ का एक मकसद बनाएं, जो भी मकसद उसको दिल से करें। तो मैं ये वीडियोस बड़ी दिल से बनाता हूँ आप लोगों के लिए, यानी मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता हूँ, कभी कब्रिस्तान पे चढ़ा होता हूँ, उधर मैं कहता हूँ कि भाई हमने इस पीर की वजह से पूरा कब्रिस्तान इधर शिफ्ट कर लिया। हालांकि स्टार्टअप है ना, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं। हमने कहा चलो यार, हमारे जो व्यूवर हैं, या भी मुझे इंग्लिश की भी थोड़ी सी ना वो डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट साल को, ईयर को मैं क्लासेस वगैरह लूँगा और मैं आइंदा से यानी मेरी इंग्लिश भी अच्छी होगी, क्योंकि मैं अभी भी क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ। आपको मैं अपने एक मुर्दे की तस्वीर दिखाऊंगा, उस मुर्दे को दिखाना तुम्हें, वो भाग गया, भाग गया। तो वो मुझे बार बार हंसाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ज़का की वीडियो में ना वो करूँ, खलल डालूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो में खलल आए। ये ऐसे बेवकूफ़ बंदे भी आ जाते हैं ऐसे यानी वो करने के लिए, इनका कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। ठीक है, ये डेली का ना 200 रुपये कमा लेते, अल्लाह की कसम से इतना खुश होता, हो 200 रुपये कमा के उसे घर चला जाता, 4 फोटो कापियाँ करते दिन के, 4 फोटो का, उसके बाद ये घर चला जाता। ये देखो अभी काउंटर के नीचे वो हो रहा है। ये है मेरा कैमरामैन अशविल खान, बहुत ही प्यारा और बहुत ही हैंडसम कैमरामैन मैंने रखा हुआ। ये है डी स्टार। डी स्टार हाउ आर यू, आपका गाना आया, आपको क्या खुशी मिली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाना आया और लोगों ने देखा गाना, ठीक है, और लोगों का प्यार देख के हकीकत बात है दिल को इतनी खुशी। हमने जो मेहनत की 2-2.5 साल इस गाने को बनाने में, ठीक है, और 2 महीने से हम रेगुलर इस पे काम कर रहे थे कि हमने इस गाने को अपलोड करना है, और जब लोगों ने देखा, नीचे कमेंट नहीं की, हकीकत बात है इतनी दिल को खुशी हुई कि हमारे तो खर्चे मर्चे जो सारे वैसे ही पूरे हो चुके हैं जी लोगों के कमेंट्स देख के। और बाकी इंशाल्लाह इस तरह ही सपोर्ट करते रहे हम, बड़ा नया नया काम और भी मजीद लेके आ रहे हैं मार्केट में।